रणवीर सिंह बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता है जो अपने बिंदास नेचर और अभिनय के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गली बॉय ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म को लोगों रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। वही इससे पहले सारा अली खान के साथ उन्होंने फिल्म सिम्बा में दर्शकों को खूब जीता था। कुछ सालों में रणवीर सिंह एक्टिंग के उस्ताद बन गए। वो अपने रोल के इस कदर ढल जाते हैं कि सामने वाला उन पर परफॉर्मेंस देखता रह जाता है। आज रणवीर के दुनिया भर में लाखों फैंस है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से शादी की। इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड का उस मुकाम तक पहुँचने के लिए रणवीर ने बहुत मेहनत की। इस इंडस्ट्री में सालों बिताने के बाद वो आज मुकाम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का ये बाजीराव एक टाइम पर एक्ट्रेस को चाय पिलाता था? जी हाँ, बॉलीवुड में एंट्री के लेकर वाले रणवीर सिंह थिएटर में चाय पिलाने का काम करते थे। बता दें कि रणवीर में एक एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था, बस वो कंटेंट राइटर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमेरिका में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। लेकिन अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जब पहली बार उन्होंने क्लास में फिल्म दीवार का डायलॉग बोला तो लोगों ने तारीफ कर दी। अपने एक्टिंग के तरफ सुनते ही उन्होंने हीरो बनने की ठान ली थी। PM News 24 की रिपोर्ट।